खबर पौहरी अनुभाग के ग्राम पूट बरवे की है, जहां ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी शिकायत लेकर एक दर्जन ग्रामीण पौहरी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम राजन बी नाडिया से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार पूट बरवे के एक दर्जन ग्रामीणों ने एसडीएम को आवेदन सौंपकर कहा कि गांव में एक हैडपंप है, जिससे वे पेयजल के लिए पानी भरते हैं, लेकिन बीते दिनों से हैडपंप से गंदा पानी निकल रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी आ रही है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। साफ मट्टी पी रहे हैं पानी के साथ में, पानी के साथ में मट्टी पी रहे हैं। कितना कितने घर हैं जो यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? 20 घर है कम से कम। 20 घर हैं? 20 घर हैं। और कोई पेयजल का स्रोत वहाँ? कोई नहीं है साहब, कोई स्रोत नहीं है। नहीं है साहब, 1 किलोमीटर पर था पानी गांव में, फिर हम गांव से उठ के कॉलोनी बसा दी हमने, वहाँ एक ही हेडपम्प है। एक ही हेडपम्प है। क्या प्रशासन से क्या कुछ मांग है तुम्हारे? बोर हो जाए, हमको पानी मिल जाए, गाड़ी आई उन्होंने जाकर लोगों ने भजा दी। यदि और सरकारी नंबर है वो भी कहते हमारा नंबर जो बना हुआ है सरकारी नंबर है साहब। दो पूरा मामला है, मामला यह सर कि जो एक सरकारी बोर गया था लगने के लिए, कुछ लोगों ने रोक बोल दिया कि हम यहाँ नहीं लगने देंगे, ये हमारी निजी ज़मीन है, जबकि वो ज़मीन सरकारी है, और वो ना ही सरपंच सपोर्ट कर रहा है। सरपंच बोलता है आप आपस में सुलझा लीजिए, जब बोर लगेगा। फिर अभी कैसे क्या पेयजल का स्रोत? अभी पेयजल का सर ये कंडीशन है कि 50% माटी पी रहे हैं। आप जहाँ तो इसमें से चेक भी कर सकते हैं, ये इतना गंदा पानी है इसमें बिल्कुल ही, आप देख लीजिए 50% पानी का मिट्टी गुली हुई है इसमें। गांव में कितनी हेडपम्प है? गाँव जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कोई सोर्स नहीं है पानी का, इसके ये गंदा पानी पीने के अलावा। जे पानी कहाँ से मिलता है आपको? जी हेडपम्प से मिलता है, पहले जो हेडपम्प सही था, अब पी एच ई वाले गए थे हेडपम्प सुधारने के लिए, बोले कि ये भीतर से ऑल गया है, इसलिए गंदा पानी आ रहा। पांच पाइप डले हैं उसमें मात्र। एक ही हेडपम्प है और उससे 20 से करीब 30 परिवार पानी पीते हैं। अब इस भीषण जल संकट और गर्मियों के दिनों में आप क्या कुछ करने वाले हैं? इस वर्तमान में हैंडपम्प में अंदर से बोर भर चुका है, इसलिए पाइपलाइन और बलाई आना संभव नहीं हो रहा है। अब पानी की परेशानी देखते हुए नवीन हैंडपम्प खनन कराने हेतु प्रयास किया जाए। वहाँ नवीन हैंडपम्प के पहले ही स्वीकृत है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, ग्रामीण ऐसी भी बात कर रहे हैं। नहीं, अभी नल योजना का कार्य स्वीकृत हुआ है, उसके लिए बोर खनन कराने मशीन भेजी गई थी, लेकिन कोई आपसी बात कारण मशीन नहीं रख पाई। तो अब ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा सर? शीघ्र प्रयास करेंगे, बस प्रतिभागी चर्चा करके। कुछ लोगों ने बोर नहीं करने दिया है, और जो हेडपम्प का गंदा पानी आया है, तो नई मामले की जांच है, पीएचसी के समुद्र की जांच करानी था, तो इसके मामले में पानी गंदा पानी जो था पानी साफ हो जाएगा, और जिस सरकार जिसने बोर जिसने रोका है, समय से मना किया, उस पर कार्रवाई करके बोर करा जाएगा।